हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्याजी के बारे में बताया था वाइस्की के बारे में बताया था ठीक है जी कोलबर्ग की थ्योरी हमने डिस्कस की थी और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अब हम आते हैं नेक्स्ट पे तो आज हम बात करेंगे एल्फ्रेड बिनेट के बारे में पहले ठीक है तो एल्फ्रेड बिनेट कौन थे ज़्यादातर आज जो मेरा फोकस है वो इंटेलिजेंस टेस्ट जो आपका एक प्रॉपर चैप्टर है ना इंटेलिजेंस का उस पर बेस्ड है आज ठीक है तो एल्फ्रेड बिनेट थो... जो थे जो बिनेट थे उन्होंने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था नाइनटीन थाउजेंड एंड फाइव में एंड ये क्वेश्चन आ रखा है आपके पेपर में कि सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किसने दिया था तो यू शुड रिमेम्बर कि सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो एल्फ्रेड बिनट ने दिया था ठीक है इन्होंने मेंटल एज की बात की थी और उन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी ठीक है तो ये चीज़ें आपको बिनेट के बारे में पता होनी चाहिए ठीक है कुछ मेन वो नहीं था इनका कि हाँ इन्होंने इस चीज़ पे वर्क किया या ऐसे सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जो एल्फ्रेड बिनेट थे इन्होंने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था नाइनटीन थाउजेंड एंड फाइव में ठीक है मेंटल एज की इन्होंने बात की थी और यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी इन्होंने फिर आते हैं चार्ल्स पियर की तरफ जो चार्ल्स पियर थे इन्होंने क्या किया था टू फैक्टर थ्योरी दी थी मतलब इनका ज़्यादा फोकस टू फैक्टर्स पर था कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है टू फैक्टर थ्योरी किसने दी तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स पेयरमैन ने दी है फिर वो पूछते हैं कि अगर जैसे उनके दो फैक्टर थे एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर की उन्होंने बात की थी जी होता है जनरल फैक्टर एस होता है स्पेसिफिक फैक्टर कहने का मतलब जी फैक्टर वो होते हैं जो हमें ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं ठीक है मतलब वो इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी हमें हमारे पेरेंट्स से मिल चुकी है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते अब वो इनेट है फिर आती है एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर मतलब वो इंटेलिजेंस जो हम अपना एजुकेशन के थ्रू लर्निंग के थ्रू एक्सपीरियंस के थ्रू हम सीख सकते हैं या इंटेलिजेंट बन सकते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स ठीक है क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया फिर क्वेश्चन या तो पूछा जाता है कि अगर स्पीयरमैन का एक फैक्टर जी फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर कौन सा है तो वो आपको अल्फाबेट्स दे, दे देंगे चार में से आपको चूज करना है तो आपको पता होगा कि दूसरा फैक्टर कौन सा है एस फैक्टर है या वो बोल देते हैं कि स्पीयरमैन ने दो फैक्टर दिए जी फैक्टर और एस फैक्टर अब बताओ जी फैक्टर क्या होता है और एस फैक्टर क्या होता है तो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि जी फैक्टर जनरल फैक्टर है और एस क्या है स्पेसिफिक फैक्टर है राइट right? जी तो फैक्टर वो होते हैं जो इनेट होते हैं ऑलरेडी एंड नॉट बी डेवलप्ड ठीक है और एस फैक्टर वो होते हैं फैक्टर्स जिनको हम डेवलप कर सकते हैं एजुकेशन से और एक्सपीरियंस करके आई होप दिस इज क्लियर फिर आते हैं लुइस थर्स्टन पे इन्होंने एक्चुअल में क्या किया जैसे आपने थॉन्डाइक की थ्योरी मैं थॉन्डाइक नहीं मैंने आपको कराई थी हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी सॉरी ठीक है हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी कल हम करके हटे थे हमने ये किया था कि जो हॉवर्ड गार्डनर थे उन्होंने क्या किया था बोला था कि जो एक इंडिविजुअल होता है ना उसमें एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस नहीं होती वो उसमें बहुत अलग अलग, अलग तरह की हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है उन्होंने यही बात बोली अब वही चीज़ लुइस थर्स्टन ने थोड़ी सी एक्सटेंड की एक तरह से इन्होंने कंसेप्ट दिया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का कि जो इंडिविजुअल होता है ना उनमें सातों तरह की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं इन्होंने ऐसा बोला होवर्ड गार्डनर ने कितनी इंटेलिजेंस की बात की थी आठ इंटेलिजेंस की और ये जो थर्स्ट थे इन्होंने कितनी एबिलिटीज़ की बात की सात एबिलिटीज़ की बात की ठीक है तो कौन कौन सी एबिलिटी की बात की है तो सारियाँ सारी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो थर्स्टन ने नहीं दी है तो आपको तभी पता होगा जो नहीं दी है कि अगर आपको ये पता होगा कि उसने दी क्या है ठीक है तो सबसे पहली एबिलिटी सी बात की उन्होंने वर्बल कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो बहुत ही ईजिली लैंग्वेज का यूजेज कर ले ऐसा पर्सन होता है ठीक है इंडक्टिव रीजनिंग जिसकी स्ट्रॉन्ग हो परपैक्चुअल स्पीड न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी हो वर्ड फ्लुएंसी मतलब बहुत ही फ्लुएंटली वो इंग्लिश बोलता हो हर एक वर्ड बहुत ईजिली फ्लो में बोल दे ठीक है एसोसिएटिव मेमोरी जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो और स्पेशल विजुलाइजेशन जो स्पेस को इजीली विजुलाइज कर दे ठीक है जैसे डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं आर्किटेक्ट्स होते हैं उनकी बात इन्होंने कही है ठीक है जी सात तरह की एबिलिटीज़ मतलब पर्सनस में होती है लुइस थर्सटन का ये कहना था आई होप दिस इज़ क्लियर फिर नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग पे अब स्पीयरमैन हमने कर लिया थर्स्टन हमने कर लिया अब हम आते हैं स्टर्नबर्ग पे स्टर्नबर्ग ने ट्रायार्किक थ्योरी दी इंटेलिजेंस की अब मैंने आपको लाइन वाइज यहाँ पे करवाया अगर आपने ध्यान में दे रखा होगा कि जो बिनेड थे उन्होंने मल्टी फैक्टर मतलब सिंगल फैक्टर थ्योरी फिर स्पीयरमैन आए उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी जी और एस फैक्टर फिर लुइस थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और जो स्टर्नबर्ग थे उन्होंने ट्रायार्किक थ्योरी दी थ्री टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है उन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस है ना इंटेलिजेंस वो होती है कि कितनी अच्छी तरह वो इंडिविजुअल है अपने इन्वायरमेंट से डील करता है एंड इन्वामेंटल चेंजेस थ्रू आउट वनज लाइफ स्पैन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने यह कहा कि जो इंटेलिजेंस होती है ना उनके अकॉर्डिंग स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस वो है इंटेलिजेंट बंदा वो है जो अपने इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं ना उनसे कुछ ना कुछ सीखे उनके साथ डील करना सीखे अगर कोई प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करना सीखे मतलब प्रैक्टिकल वे में हर एक चीज सीखे वो एक इंटेलिजेंस होती है स्टर्न के अकॉर्डिंग राइट तो कौन से ट्रायर की उन्होंने दी ना तो कौन से तीन पार्ट्स पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया सबसे पहला कॉम्पोनेंशियल देन इज एक्सपीरियंशियल एंड थर्ड इज प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंशियल वो होता है एबिलिटी टू टेक द पार्ट प्रॉब्लम्स एंड बिकम एंड बीइंग एबल टू सी द सॉल्यूशन नॉट सीन बाय लेस गिफ्टेड मतलब स्टर्नबर्ग ने बोला अपने फर्स्ट कंपोनेंट में मतलब कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए कि जो पर्सन होता है कॉम्पोनेंशियल मतलब ऐसा एक पर्सन इंटेलिजेंट होता है जो प्रॉब्लम में से सल्यूशन ढूंढे मतलब एक तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग करे जो एक लेस गिफ्टेड पर्सन नहीं देख सकता बट वो एक गिफ्टेड बच्चा ही समझ सकता है उसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे ठीक है सेकेंड इज एक्सपीरियंशियल मतलब जो डील करे कि किस तरह से वो चीज़ हो रही है विद रिगार्ड टू हाउ फैमिलियर इट इज़ कि जैसे हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो हमारी प्रीवियस नॉलेज थी और कैसे हम उस चीज़ के साथ आज डील करेंगे ठीक है फिर थर्ड उन्होंने बात की प्रैक्टिकल की मतलब मेंटल एक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व होती है फिटिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ठीक है प्रैक्टिकली आप मतलब वैसे आपको कोई चीज़ पता है थ्योरेटिकली कि वो चीज़ ऐसे होती है ऐसे होती है आप कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हो आपको पता ऐसा होता है बट इंटेलिजेंट पर्सन स्टोनवर्क के थ्रू वही है जो क्या करें उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखे ठीक है तो उन्होंने तीन चीज़ों पे फोकस किया और ज़्यादा उन्होंने यही बोला कि एक इंडिविजुअल को हम तभी इंटेलिजेंट बोलते हैं जब वो अपने इन्वायरमेंट से डील करे उसको पता है कि कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है कैसे उसके साथ डील करना है कैसे प्रैक्टिकल रहना है ठीक है जी आई होप दिस इज क्लियर बस तीन पार्ट्स आपको पता होने चाहिए देन कम एडवर्ड थॉन्डाइक थॉन्डाइक की थ्यूरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब मैनियर टाइम्स पूछी गई है ठीक है बहुत फेमस थ्यूरी है थॉन्डाइक जी की ट्रायल एंड एरर थ्यूरी ठीक है इन्होंने मल्टीपल फैक्टर थ्यूरी दी मतलब इनकी थ्यूरी को ट्रायल एंड एरर थ्यूरी भी बोला जाता है ठीक है ये क्या थे बिहेवियरिज्म थे याद रखना कई बार पूछ लेते बिहेवियरिस्ट बताओ इनमें से कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए थॉन्डाइक थे ठीक है थॉन्डाइक ने क्या किया तीन तरह के इफेक्ट्स की उन्होंने बात की बाद में मैं बताऊंगी किस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या टप एक्सपेरिमेंट किया था ठीक है वो हम देखेंगे बट उससे पहले तीन तरह के इफेक्ट्स की उन्होंने बात की लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ रेडीनेस कहने का मतलब कि थंड जी कहते थे कि जो बच्चा है पहले तो लॉ ऑफ इफेक्ट फिर एक्सरसाइज एंड देन रेडीनेस कहने का मतलब कि अगर आप बच्चे को मोटिवेट करोगे ठीक है अगर उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चा पढ़ाई करेगा ठीक है वो होता है लॉ ऑफ इफेक्ट सबसे पहला कि बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का दूसरा रेडीनेस मतलब अब बच्चा मोटिवेट हो गया अब आपने बच्चे को मोटिवेट कर दिया उसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया अच्छे से आपने पढ़ा दिया अब बच्चा पढ़ने के लिए रेडी हो गया ठीक है तैयार है कि हाँ मैं पढ़ूँगा ठीक है फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज जब बच्चा रेडी हो गया तो उस चीज़ को वो क्या करेगा बार बार ट्राई करके देखेगा ठीक है अब बच्चा फुल्ली मोटिवेटेड है अब उस चीज़ को ट्राई करेगा तो थैग ने यही चीज बोली कि जब एक चीज़ को हम बहुत ही मोटिवेशन मोटिवेटेड होके बहुत ही शिद्दत से जब कोई काम करें ना और उसको बार बार हम प्रैक्टिस करें तो हम उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं तभी इनकी थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोला जाता है ट्रायल मतलब बार बार ट्राई करना ठीक है पहला तो इफेक्ट कि कैसा इन्वायरमेंट आप दे रहे हो सेकेंड वो इन्वायरमेंट बच्चे को रेडी करेगा तैयार करेगा और फिर बच्चा एक्सरसाइज करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होगा आई होप दिस इज क्लियर ठीक है ट्रायल एंड एरर थ्योरी उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था कैट पे ठीक है कई बार पूछ लेते हैं कौन से बिहेवियरिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैट पे किया या जो थॉन्डाइक है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस एनिमल पे किया वहां पे बहुत से ऑप्शन होंगे रैबिट पे किया डियर पे किया कैट पे किया तो आपको पता होना चाहिए थॉन्डाइक ने कैट पे किया उन्होंने एक्चुअल में क्या किया कैट को ना एक डब्बे में बंद कर दिया ठीक है और डब्बे के बाहर क्या रखा था खाना रखा था कैट तो डब्बे में थी और डब्बे के बाहर क्या था खाना था तो जो कैट थी वो क्या करती थी डेली डेली एक जैसे पजल्स होते हैं ना ऐसे जैसे पजल्स होते हैं पजल में से जाना होता है ठीक है और अपने खाने को ढूंढना होता है यहाँ पे कैट है और यहाँ पे फूड है ठीक है कैट क्या करती थी रोज धीरे 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 मतलब पजल को सॉल्व करते करते फूड तक पहुंचती थी अब उसने एक दिन ट्राई किया दूसरे दिन ट्राई किया तीसरे दिन ट्राई किया मतलब बहुत टाइम टाइम तक पहुंचती थी वो धीरे धीरे क्या हुआ उसकी जो टाइमिंग है फूड तक पहुंचने की वो क्या हो गई थी कम हो गई थी क्यों कम हो गई थी बिकॉज उसने बार बार ट्राई किया उसी रस्ते से वो गई उसको पता लग गया अब कि ये रस्ता है मैंने इस रास्ते से जाना है और मुझे खाना फटाफट मिल जाएगा ठीक है रोज वो खाना सूंघती थी मतलब खुशबू आती थी उसके नाक तक और वो क्या करती थी वहां तक पहुंच जाती थी कहने का मतलब जितना आप किसी चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप जो एरर्स हैं अपने कम कर पाओगे ठीक है आई होप दिस इज क्लियर मैंने पूरा एक एक्सपेरिमेंट समझा दिया और ये फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है सारा कि ये कैट थी डब्बे में बंद थी और फूड बाहर पड़ा था फिर वो क्या करती थी मतलब खाने को सूंघती थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती थी और डेली खाना खाती थी धीरे 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 उसको रास्ता पता लग गया कि हाँ वो रोज़ प्रैक्टिस करती थी मतलब एक तरह से उसी रास्ते से जाती थी तो उसको पता लग गया तो ठीक है जी वो पहुंच गई और एरर्स रिड्यूस हो गए और जब वो ऐसी प्रैक्टिस करती गई करती गई करती गई तो अब उसको पता लग गया खाना वहाँ पे है तो वो रोज़ क्या करती थी फटाफट -फड़ खाने तक पहुंच जाती थी ठीक है कहने का मतलब अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से आप सीख पाओगे आई होप दिस इज़ क्लियर ठीक है जी थोंडा की थ्योरी भी आपको समझ आ गई होगी अब उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है बी एफ स्किनर की अब बी एफ स्किनर क्या थे बी एफ स्किनर ने सिंपल सी बात है बी एफ स्किनर ने बुक दी थी जिसका नाम था वर्बल बिहेवियर याद रखना इन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज है वो हम इमिटिएशन के थ्रू सीख सकते हैं मतलब लैंग्वेज नकल करके प्रैक्टिस करके बच्चा सीख पाता है ठीक है इन्होंने बस इतनी सी बात बोली थी स्किनर ने अब जो मेन है वो है नॉम चॉम्स के ये देखो इंग्लिश पैडागोजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है और सी में बहुत रेयर है वैसे तो केस बट फिर भी आपको पता होना चाहिए नॉम चॉम्स के बिकॉज एक्चुअल में इन्होंने फोकस लैंग्वेज पे किया है ना तो मोस्टली लैंग्वेज के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है नॉम चॉम्प्स के पंजाबी में भी पक्का आता है ये और इंग्लिश में भी पक्का पूछा जाता है लैंग्वेज में ठीक है नॉम चॉम्प्स ने क्या बोला कि जो एक इंडिविजुअल होता है एक बच्चा होता है ना ऑलरेडी जब वो पैदा होता है उसके दिमाग में एक तरह से फिट होता है मतलब कि हाँ लैंग्वेज फिट होती है ऑलरेडी बच्चा जैसे ही मतलब बर्थ लेता है ऑलरेडी जो लैंग्वेज है उसके माइंड में होती है बच्चा बाहर आके नहीं सीखता बच्चे के दिमाग में पहले लैंग्वेज फिट कर रही होती है उनने ऐसा बोला नॉम्सॉम्स के ने अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन हैज़ इन बॉर्न क्वालिटी टू लर्न लैंग्वेज इथ कि बच्चे में एक ऐसी क्वालिटी होती है फ्रॉम द वेरी बर्थ जैसे ही वो पैदा होता है कि वो लैंग्वेज को ईजिली सीख पाता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ फिट होती है जिससे वो क्या करता है लैंग्वेज को फटाफट -फड़ सीख पाता मतलब ऑलरेडी उसको लैंग्वेज के बारे में पता होता है जब वो बॉर्न होता है नॉम चॉम्सके ने ऐसा बोला उन्होंने इस डिवाइस को क्या बोला एल बोला ठीक है जी तो चॉम्सके ने बोला कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनमें क्या होती है एल होती है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एल का कंसेप्ट है वो किसने दिया तो वो चॉम्सके ने दिया और उसको इनकी जो थ्योरी है उनको उसको यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी भी बोला जाता है ठीक है ये ग्रामर से कंसर्न है लैंग्वेज से कंसर्नड है इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी भी बोला जाता है जो किसने दी थी नॉर्म चॉम्स के ने दी थी आई होप दिस इज़ क्लियर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में आया कि ये जो फॉर्मूला है इंटेलिजेंस क्वेश्चन फाइंड आउट करने का आई फाइंड करने का वो क्या है और ये क्वेश्चन पेपर में आया था बहुत बार आया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है हमेशा मेंटल एज अपॉन क्रोलॉजिकल एज इनटू हंड्रेड किसने दिया था ये टर्मन ने दिया था याद रखना ठीक है जी आई का फॉर्मूला किसने दिया था टर्मन ने और आई का फॉर्मूला क्या था मेंटल एज अपॉन क्रोलॉजिकल एज इंटू हंड्रेड ठीक है आपको जैसे नुमारिकल भी कई बार आ जाता है इसमें आपको एज दे रखी है और क्रोनोलॉजिकल uh, एज भी दे रखी है उन्होंने बोला आईक्यू निकालो बच्चे का किसी का भी नाम दे रखा होगा या आईक्यू दे रखा है मेंटल एज दे रखा है तो उन्होंने बोला क्रोनोलॉजिकल एज निकालो मतलब कोई भी एक चीज़ निकालने के लिए आपको आ सकती है ठीक है बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आई निकालने का फॉर्मूला क्या है और किसने दिया था टर्मन ने दिया था ठीक है जी सो दिस इज ऑल अबाउट टू आई होप ये जो थ्यूरीज मैंने आज आपको करवाई हैं अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी और अगर आपको ये वीडियो तो अच्छी लगी हो अंडरस्टैंडेबल हो देन प्लीज एन फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू वेरी मच और ऐसे ही और जो थ्योरीज रहती हैं मैं डेली आपके लिए लेके आती रहूँगी ताकि आपकी भी क्या है प्रैक्टिस हो जाए एक तरह से ठीक है सभी थ्योरीज के बारे में आपको भी पता लग जाए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन